कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश है। उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मसले पर मोदी सरकार पर ऐसे समय निशाना साधा जब देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में शुक्रवार सुबह तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4,90,401 थी। हालांकि देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के ताजा आंकड़े जोड़ दिए जाए तो देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5 लाख की संख्या को पार कर चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।